शेड आ गए हैं लगभग, तो लगभग 2.5 किलोमीटर चल के, और बाकी का 2.5 किलोमीटर और बाकी है, उसके बाद का 20 मिनट का और वॉकिंग बाकी है। राइट, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम टू माई चैनल। आज है सैटरडे, टाइम हुआ है 6:57, मतलब कि ऑलमोस्ट 7 o'clock हो गए हैं, और आप मेरे पीछे बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हो, पूरा विंटर का जो फॉग है वो जमा हुआ है और फॉगी फॉगी है। और हम जाने वाले हैं ऐसे लोकेशन पे जहाँ पे व्हीकल्स अलाउड नहीं है। अभी मेरे कहने का मतलब ये है, और आप लोगों को थंबनेल से तो पता चल भी गया होगा कि हम जाने वाले हैं माथेरान। सो माथेरान की जो जर्नी है वो कैसी रहती है वो देखते हैं। दूसरा चीज़ है कि हम माथेरान में वैसे तो स्टे लेते हैं, लेकिन इस बार हम स्टे नहीं लेने वाले हैं, हम रुकने वाले हैं कैंप में। तो कैंपिंग एक्सपीरियंस माथेरान में कैसा रहता है वो एक यूनिक चीज़ रहने वाली है। और तीसरी चीज़ जो है वो है वैलेंटाइन डे का जो सेलिब्रेशन है वो कुछ हम करने वाले हैं, तो वो भी हम देखेंगे कि कैसा रहता है वैलेंटाइन। तो ये जो 2-3 दिन है वो भारी भरकम जबरदस्त बैक टू बैक व्लॉग्स आने वाले हैं। सो बी रेडी गाइज एंड लेट्स स्टार्ट द जर्नी। यू कैन सी द ब्यूटीफुल सनराइज हैपनिंग ओवर देयर, बहुत ही प्यारे एग्जिट बिल्डिंग के ऊपर हो रहा है। फाइनली हम आ चुके हैं ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पे, और यहाँ पे साठे मिसल करके है जो बहुत ही फेमस मिसल वाला है। और यहाँ पे ये जो फेमस मिसल है उसका आनंद लिया जाएगा, तो आपको चाय और मिसल खा के फिर मिलते हैं। तो दोस्तों, विंटर हो, समर हो या मॉनसून हो, इन लोनावाला की वादियों में जो घूमने का जो मज़ा है, इवन ड्राइव करने का जो मज़ा है वो बहुत ही अद्भुत है। राइट तरीके से अगर आपको उसको देखना है तो जो एक्सप्रेस हाईवे है वहाँ से नहीं आपको जाना पड़ेगा, ओल्ड पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, और वहाँ से जो नज़ारे आपको देखेंगे बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग है। अभी तो हम इसको स्किप कर रहे हैं, लेकिन आपको फिर से यहाँ पे लेके आएंगे और आपको पूरा अच्छी तरीके से दिखाएंगे। दोस्तों, अभी टाइम हुआ है, टाइम क्या हुआ करना? अरे यार, हर बार टाइम का लोचा है। ओके, तो दोस्तों अभी 1:30 हुआ है और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे दस्तूरी पॉइंट, जो माथेरान का जो पार्किंग पॉइंट है वो है यहाँ पे। आप लोगों को चारों तरफ आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखेगी, क्योंकि उसका जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे जो माथेरान है वहाँ पे व्हीकल्स जो है वो बैंड है, और उसकी वजह से आपको कंपल्सरीली या तो घोड़े से या तो ट्रेन से या तो चल के माथेरान तक जाना पड़ता है, और उसके बाद तो फिर आपको चल के या घोड़े से ही जा सकते हो। चलने वाले हैं यहाँ से माथेरान के पॉइंट की ओर, और आ जाओ, तो अभी हम चल के जाने वाले हैं। आते वक्त हम ट्रेन लेंगे, क्योंकि अभी जो ट्रेन का जो टाइम है
वो ऑलमोस्ट 2:30 बजे है, जो आई थिंक थोड़ा लेट हो जाएगा। सो हम चल के जाएंगे और चल के शॉर्टकट से कवर करेंगे। चल के क्या कि चल के अगर जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। पूजा चल सकते हैं ना, ट्रैकिंग वैकिंग? कन्याकुमारी दूधसागर, दूधसागर से तो इजी है, दूधसागर जितना तो डिफिकल्ट कोई नहीं। कुछ भी नहीं, दूधसागर से डिफिकल्ट कोई नहीं था। दूधसागर भी हार्ड वे में अपन ने किया है। तो दोस्तों आपको थोड़ी देर के बाद में जब कुछ देखने जैसा आएगा तब। दोस्तों माथेरान को माथेरान इसीलिए बोला जाता है क्योंकि माथे का मतलब होता है हेड और रण का मतलब होता है फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट ऑन द हेड, उसी की वजह से माथेरान बुलाया जाता है। और माथेरान इंडिया का स्मॉलेस्ट और एशिया का ऑटोमोबाइल फ्री हिल स्टेशन है। और इस हिल स्टेशन पे ऊपर जाने के लिए आपको जो नीचे दस्तूरी से अमन लॉज करके जो है वहाँ तक आपको चलना पड़ेगा, और उसके बाद आप ट्रेन ले सकते हो और ट्रेन लेके आप माथेरान स्टेशन तक पहुँच सकते हो। दूसरा जो रास्ता है वो है आप चल के जा सकते हो, दस्तूरी पॉइंट से आपको चलना पड़ेगा ऊपर माथेरान स्टेशन तक। और तीसरा रास्ता है जहाँ पे आपको हॉर्स जो है वो आप करके हॉर्स करके भी आप पहुँच सकते हो। आपको दस्तूरी पॉइंट से हॉर्सेस मिल जाएंगे जो आपको 400-500 रुपये के अंदर आपको माथेरान स्टेशन तक पहुँचा दिया जाएगा। तो उसके बाद आपका जो आप स्टे है वहाँ तक आपको अपने हिसाब से चल के या तो घोड़ों का इस्तेमाल कर आपको पहुँचना पड़ेगा। So, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे। क्या है ये लोकेशन, क्या है ये? सनसेट, क्या सनन सनन शेड आ गए हैं लगभग तो लगभग 2.5 किलोमीटर चल के, और बाकी का 2.5 किलोमीटर और बाकी है, उसके बाद का 20 मिनट का और वॉकिंग बाकी है, राइट? तो बहुत कुछ चलना है लेकिन थोड़ा रेस्ट ले रहे और उसके बाद फिर चलने की शुरुआत करेंगे। तो आप पूरा का पूरा जो व्यू देख रहे हो वो है माथेरान का व्यू। और सो दोस्तों फाइनली 5 किलोमीटर का जो वॉक है वो कंप्लीट करके हम माथेरान का जो स्टेशन है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अच्छा हुआ ट्रेन नहीं लिया, क्योंकि ट्रेन से हम कई गुना पहले हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। और अभी यहाँ से हम जाने वाले हैं अलेक्जेंडर पॉइंट, जो हमारा कैंप साइट है। और वो कैंप साइट पे जाने के लिए यहाँ से आई थिंक अराउंड और 20 मिनट का रास्ता लगेगा, जो मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि इतना कुछ डिफ़िकल्ट रहने वाला है। तो क्योंकि अभी स्ट्रेट यू नो वॉक रहेगा। सो चलो जर्नी शुरू कर दो। तो हमने अभी ये ककम्बर ले लिया, बेस्ट रहता है ये। यम्मी। फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं अलेक्जेंडर कैंपिंग, और अभी लंच जो है वो आई थिंक फिनिश होने का टाइम है। तो सबसे पहले लंच करते हैं और फिर बाकी की सभी टूर और पूरे का पूरा इंफॉर्मेशन फैक्ट्स हर एक चीज़ों पे हम बात करते हैं। तो लेट्स फर्स्ट टेक द यू नो फूड।
तो अभी हम देखेंगे फूड में क्या क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले है सो फाइनली अभी हम खाएंगे, बहुत थक गए चल के। और अभी हम खाएंगे, यहाँ पे शेडो था तो अच्छा वीडियो ठीक है ना। बैठ जाए अभी, चार लोग कैसे बैठ, अरे बैठ जाएंगे आराम से। यह दम आलू बहुत प्यारा है, स्वीट टेस्ट करेंगे। स्वीट सलाद इज ऑसम, अमेजिंग। ढोकला टेस्ट करते हैं, ये अच्छा नहीं मिलता है बहुत सारी जगह पे, पर नायलॉन को मना और बहुत ही प्यारे है। अब लास्ट पालक पनीर टेस्ट कर देते, तो भरपेट खाना खाने के बाद अभी अभी हम जाने वाले हैं टेंट के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे टेंट्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे भी आप टेंट्स देख सकते हो, यहाँ पे भी जो टेंट्स का अरेंजमेंट है वो किया हुआ है। यहाँ पे भी बहुत सारे जो टेंट्स है उसका अरेंजमेंट आप थोड़ा अच्छे तरीके से देख सकते हो। हमारे टेंट्स है जो अवेलेबल है, ये डबल ऑक्यूपेंसी के हैं, और उसके बाजू में भी अगर आप देखोगे तो डबल ऑक्यूपेंसी है, तो मतलब कि चार लोगों के लिए यहाँ पे अपने को जो टेंट है वो करवाया हुआ है। और आप देख सकते हो पूरे बाजू में भी बहुत सारे कैंप और बहुत सारे जो टेंट्स हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं।